क्या ममता दीदी घुसपैठ बंद करेगी? क्या वो घुसपैठ बंद नहीं करेगी, क्योंकि वो घुसपैठ यही तो उनकी वोट बैंक है। 30 सीटें पार करा दो, बंगाल में भाजपा सरकार बना दो, परिंदा भी पैर नहीं मारेगा, किसी को घुसपैठ हम नहीं करने देंगे। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, जो बंगाल से हिंदू सिख बौद्ध शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता मिलती है, आपको क्या तकलीफ हो रही? एक और घुसपैठियों को लाल जाजम बिठाकर स्वागत करती हो, रोहिंग्या का स्वागत करती हो, और दूसरी ओर जो हिंदू बौद्ध सिख शरणार्थी आए हैं उनको गुमराह कर रही हो। क्या ममता दीदी घुसपैठ बंद करेगी? क्या करेगी? क्या वो घुसपैठ बंद नहीं करेगी, क्योंकि वो घुसपैठ यही तो उनकी वोट बैंक है या नहीं है? तो घुसपैठ बंद कर सकते हैं नरेंद्र मोदी और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। भाई और बहनों, आसाम की समस्या घुसपैठ की ऐसे ही थी। आसाम की जनता ने निर्णय किया, भाजपा की सरकार बनाई, और अब आसाम बॉर्डर से एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर सकता। घुसपैठ को हमने बंद कर दिया है, और मैं आपको मोदी गारंटी कहने आया हूं, 30 सीटें पार करा दो, बंगाल में भाजपा सरकार बना दो, परिंदा भी पैर नहीं मारेगा, किसी को घुसपैठ हम नहीं करने देंगे। भाइयों, राय हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस तृणमूल सभी लोग विरोध करते थे, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का बना दिया। भाई और बहनों, इस तुष्टीकरण के कारण इन लोगों ने 370 को संभाल कर रखा था, मोदी जी ने उसको उखाड़ कर फेंक दिया। ये 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम करे हैं। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर लाया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त चावल देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया, और 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। यहां बेलूर घाट वाले आए हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने देश भर में एक योजना करी है कि 5 लाख तक का सभी हेल्थ का खर्चा, स्वास्थ्य का खर्चा मोदी जी उठा रहे हैं। देश भर के गरीबों को इसका फायदा मिल रहा है, बंगाल को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ममता दीदी आयुष्मान भारत योजना को नीचे तक नहीं पहुंचा सकती। भाई और बहनों, मैं आज मोदी गारंटी करके देने आया हूं, एक बार 300 पार कर ममता की सरकार को उखाड़ दो, सभी का 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त हो जाएगा। आपके चावल में कोई कटौती नहीं कर पाएगा, कोई कटमनी नहीं ले पाएगा, कोई कोयले की तस्करी नहीं कर पाएगा, कोई गौ तस्करी नहीं कर पाएगा, और कोई घुसपैठ भी नहीं कर पाएगा। ये बंगाल पश्चिम बंगाल के लोगों का है, इनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। भाइयों और बहनों, मुझे बताओ, 3 तलाक हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए था? जोर से बोलो, माताओं बहनों बोलो, हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए? ममता दीदी नहीं चाहती 3 तलाक हटाएंगे,
भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने तीन तलाक को समाप्त करकर मुस्लिम बहनों के साथ न्याय करने का काम किया है। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आज भी कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ होना चाहिए, यूसीसी नहीं होना चाहिए। भाई और बहनों, वो तो छोड़िए, वो अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं, ऊपर तस्वीर थाईलैंड की लगाते हैं, पूरे भारत में एक भी तस्वीर नहीं मिलती इनको, थाईलैंड की तस्वीर लगाते हैं। मगर क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि राहुल बाबा बार बार वहां वैकेशन करने के लिए चले जाते हैं, वैकेशन करने के लिए। भाई और बहनों, ये पार्टियों का हमारे साथ, देश के साथ, देश के गरीबों के साथ, देश की जनता के साथ कोई सरोकार नहीं। और मैं आज बंगाल में चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार आया हूं, मैं बंगाल की जनता को हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। हमने एक कानून पारित किया है सीएए का, ममता दीदी बंगाल के लोगों को गुमराह कर रही है। ये कह रही है कि आपने एप्लीकेशन किया तो आपका नागरिकता चला जाएगा। अरे नागरिकता है ही नहीं ममता दीदी, आपको क्या मालूम है? मैं आज आपको कहने आया हूं, डरे बगैर जितने भी शरणार्थी आए हैं सीएए में एप्लीकेशन करे, किसी पर कोई केस नहीं होने वाला है, कोई मुकदमा नहीं होने वाला है। ये मोदी सरकार का कानून है। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, जो बंगाल से हिंदू सिख बौद्ध शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता मिलती है, आपको क्या तकलीफ हो रही? एक और घुसपैठियों को लाल जाजम बिठाकर स्वागत करती हो, रोहिंग्या का स्वागत करती हो, और दूसरी ओर जो हिंदू बौद्ध सिख शरणार्थी आए हैं उनको गुमराह कर रही हो। दीदी, आपकी दाल नहीं गलने वाली। मोदी जी ने रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं, बंगाल के सारे शरणार्थी भय मुक्त होकर अप्लाई करें, आपका इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा है, आपका अधिकार इतना ही। सभी लोगों ने अप्लाई करना चाहिए। भाई और बहनों, तुष्टीकरण की सीमा करने वाली ये पार्टी कुछ नहीं कर सकती। अभी अभी मैं आज आपको बताने आया हूं, एक बम ब्लास्ट हुआ था 22 में भूपति नगर में, 3 लोग मारे गए। मुझे बताओ भाई, बम ब्लास्ट करने वालों को मजबूती से जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जरा जोर से बताओ, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? इसकी जांच हाई कोर्ट ने एनआईए को दी, और ममता दीदी एनआईए पर केस रजिस्टर कर बम ब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है। ममता दीदी, शर्म करो, आप बम ब्लास्ट के आरोपियों को बचाना चाहती हो? आप चिंता मत करिए बंगाल वालों, हाईकोर्ट ने एनआईए को जांच दी है, सबको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा, आप चिंता मत करिए। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।